नमस्कार किसान साथियों, आपका आपके मन पसंदीदा YouTube चैनल सादावाद केसरी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं हूं सोनू चौधरी और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना स्किप किए अंत तक देखिए। इससे क्या होता है कि आपको हर वो जानकारी मिल जाती है आपके राज्य जिले से और उससे संबंधित मंडियों से संबंधित, आपको कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप बिना स्किप किए वीडियो अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। तो मंडियों का रेट लेकर मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की विभिन्न मंडियों से, और आज मैं आपको इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी बताऊंगा कि किस कोल्ड स्टोरेज में किस जिले के में क्या रेट चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन आपसे एक ही अनुरोध है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुपों में सभी के साथ परस्पर शेयर करें। इससे होता क्या है, किसानों को, जो भी किसान हमारी सूचनाओं से वंचित हैं उनके पास में ये सूचना पहुंच जाती है। और अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो हमारी वीडियो जो अपलोड करते हैं रेगुलर, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप मंडी भावों के बारे में अपडेट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं हम आपका 3797 से। तो 3797 पहली हम बात कर लेते हैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट की, तो मथुरा से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो मंडी में 512 रुपये प्रति पैकेट बिका है, कोल्ड में 540 रुपये प्रति पैकेट, मेरठ में 525 रुपये बिका है मंडी में। आज तारीख है 12 अगस्त 2021 और दिन है आज बृहस्पतिवार। तो किसान भाइयों 555 रुपये बिका है आपका कोल्ड स्टोरेज से। मुजफ्फरनगर में 530 मंडी का रेट रहा है, 540 कोल्ड स्टोरेजों से बिका है। अलीगढ़ का रेट की बात करें तो 520 मंडी में बिका है आज और 560 रुपये कल कोल्ड स्टोरेजों से बिका था। औरैया की बात करें तो 512 कोल्डों में 530, एटा की बात करें 525, इटावा की बात करें 510 रुपये पैकेट, जसवंत नगर की बात करें 522 रुपये पैकेट, जसवंत नगर में कोल्ड में 535, फरुखाबाद की बात करें तो मंडी में 512 कोल्ड में 530, फिरोजाबाद में 515 कोल्ड में 545, हाथरस की मंडी की बात करें तो 520 रुपये पैकेट। अगर हाथरस या कोल्ड स्टोरेजों से बात करें, जो साउथ में आलू जा रहा है वो 555 रुपये पैकेट जा रहा है। शेखोबाद की मंडी में 512 रुपये पैकेट बिक रहा है, तो कोल्ड स्टोरेज में 565 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। सिरसागंज की बात करें तो 515 रुपये पैकेट मंडी में है और कोल्ड स्टोरेज जो साउथ में आलू जा रहा है वो 585 रुपये। टूंडला की बात करें तो टूंडला में भी जिस भाई ने एक पर्ची डाली थी वो बिल्कुल सही थी, मंडियों में 512 और कोल्ड स्टोरेज 540 से 565 रुपये बिक रहा है। ये अच्छा खासा तादाद में क्वांटिटी जो है साउथ में जा रही है, क्योंकि साउथ में भारी बारिश की वजह से आपके हसन की फसल काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। लगभग पहले तो हमने 65% बताया था और आप बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, 75% फसल बर्बाद है, केवल 15% ही बची है और 15% में आप क्या कर लेंगे। अभी वहाँ पानी पड़ रहा है किसान भाइयों, आप घबराएं नहीं और अभी व्यापारियों का मुंह तोड़ जवाब दें। सादाबाद में 517 रुपये मंडी में बिका है आज और 565 रुपये कल कोल्ड स्टोरेज से बिका था। झांसी की बात कर लेते हैं तो झांसी में मंडी भाव है 525 और कोल्ड स्टोरेजों से है 550। आगरा के में 515, कोल्ड स्टोरेज में 570, कन्नौज में 515 रुपये मंडी में बिका है और कोल्ड स्टोरेज में 540 बिका है। खैर की मंडी में 515 बिका है तो कोल्ड स्टोरेज में 530 तक बिका है। लखनऊ में 522 से लेकर 540 रुपये तक, मैनपुरी में 520 तो कोल्ड स्टोरेज में 550 रुपये बिका है, सहारनपुर में 515 मंडी में बिका है तो 530 रुपये कल कोल्ड स्टोरेज में बिका है। कानपुर की बात कर लेते हैं तो 522 से लेकर 545 रुपये प्रति पैकेट, यहाँ मन का होता है, 40 किलो की पैकेट होती है और कोल्ड स्टोरेज से 545 बिका है। जगनेर में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की बात आ रही है किसान भाई, तो कोल्ड स्टोरेज नोट कर लीजिए, कोल्ड स्टोरेज की बात है, मंडी अभी नहीं है। तो जगनेर में 650 रुपये पैकेट बिका है कोल्ड स्टोरेज से। राठ हमीरपुर 562 रुपये, हापुड़ में 557 रुपये, जहांगीराबाद में 550 रुपये, खुड़जा में 570 रुपये, मिलिक में 530, बदायूं में 520, बाराबंकी कोल्ड स्टोरेज में 545 रुपये तक बिका है। अगर बात कर लेते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी में 550 से लेकर 580 रुपये, बांगरमऊ में 530 से 565, चंदौली में 532 से लेकर 545 रुपये प्रति पैकेट। ये कोल्ड स्टोरेज के रेट हैं किसान भाइयों, मंडी के नहीं हैं। मुरादाबाद में 530 रुपये प्रति पैकेट, झिझक में 520 रुपये प्रति पैकेट, लालगंज के कोल्ड स्टोरेज में 525, सिरसा के कोल्ड स्टोरेज में 515 से 545, अमरोहा के कोल्ड स्टोरेज में 515 से 550, भड़ताना के कोल्ड स्टोरेज में, भड़ताना में ज़्यादा नहीं 30 कोल्ड स्टोरेज हैं, 510 से 530 रुपये। जसवंत नगर में कोल्ड स्टोरेज की संख्या अच्छी है और यहाँ पर आलू जो है 500 रुपये से लेकर 550 रुपये तक बिका है। अगर जाफरगंज की बात करें तो जाफरगंज में 700 रुपये पैकेट बिका है, तुलसीपुर के कोल्ड स्टोरेज में 600 रुपये से क्रॉस है क्योंकि ये LR का लाल आलू है। जौनपुर में बादशाह आलू है तो 587 से लेकर 625 रुपये प्रति पैकेट, शामली में 3797 ही है तो 562 रुपये से लेकर 610 रुपये तक, चंदौसी में
₹530 से लेकर 550 तक बिका है। हरदोई की बात करें तो कोल्ड स्टोर में ₹530 से लेकर ₹560 तक, पूर्वा की बात करें 550 से ₹600 तक बात कर वो हुआ है, और अगर हसनपुर की बात करें तो 500 से 550, सियाना के कोल्ड स्टोर में 530 से लेकर 540, दादरी के कोल्ड स्टोर में 550 से लेकर ₹570 तक बिका है। अगर आप बात करते हैं कानपुर की तो कानपुर में पहले दादरी आ जाती है, बलिया आ जाता है, ₹550 बिका है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों चिप्सोना आलू की, तो चिप्सोना आलू क्या रेट बिका है, कॉपी पेंसिल नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को पूरी परफेक्ट जानकारी मिलेगी कि हाँ सोनू भाई ने हमें क्या बताया। तो चिप्सोना की रेट सुन लीजिए किसान भाइयों, मुजफ्फरनगर में 615 से लेकर 640, मथुरा में ₹612 से लेकर ₹630 तक, फरुखाबाद की मंडी में 625 से लेकर ₹630 तक, आगरा की मंडी में ₹620 से लेकर ₹665 तक, सहारनपुर की मंडी में ₹612 से लेकर ₹625 तक, मैनपुरी में 615 से 650, मेरठ में ₹605 से लेकर 630, मुरादाबाद में 602 से लेकर 625, कन्नौज में ₹607 से लेकर ₹620 तक, और कानपुर की मंडी में चिप्सोना आलू जो है ₹605 से लेकर ₹615 प्रति पैकेट बिका है। कानपुर में कम रेट में बिकता है, 40 किलो का पैकेट होता है किसान भाइयों। तो अब बात कर लेते हैं दगी जो छिलका आलू होता है, क्वालिटी ख़राब होती है और ग्रेडिंग ख़राब होती है, उसमें कट भी मिला होता है, गुल्ला भी मिला होता है, किरी भी मिली होती है, मोटा भी मिला होता है, बम्पर भी मिला होता है, मीडियम भी मिला होता है। तो अब देखिए जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी गिरी हुई है और उनके आलू के क्या रेट हैं आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी रेट बताए थे ये एक सुपर आलू के रेट थे, जो ग्रेडिंग बढ़िया आलू थे उनके ये रेट थे, और मैंने आपको भरसक प्रयास किया आपको मंडी रेट्स भी बताए और कोल्ड स्टोरेजों के रेट भी बताए। आशा है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो भैया देखिए जितना आप देखते हैं ना उसे दबा के लाइक किया कीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए हमें मोटिवेशन तो मोटिवेट तो किया कीजिए भाई कि सोनू भाई कुछ और नया बताएं, तो लाइक तो बनता है भैया, लाइक तो परस्पर करते रहें। अब बात कर लेते हैं जिनकी ग्रेडिंग फेल है और छिलका भी है, आलू की क्वालिटी भी है, रंग रूप अच्छा नहीं है, अगर उसमें मिक्सिंग है तो सभी आप में हाइब्रिड भी आ जाता है, आप में हाइब्रिड आपका ख्याति है, पुखराज है, और भी बहुत कुछ है, फ्राई सोना है। चलिए बच्चोदी नहीं करते हैं, अब बात सीधे डायरेक्टली मंडी रेट्स पे ले लेते हैं और कोल्ड स्टोरेज से भी ले लेते हैं। तो देखिए मैं अभी मंडियों में जो अब बिका है वो केवल 6-7 डिस्ट्रिक्ट में बताया, पहले मैं बता देता हूँ। जलालाबाद में 462, बिसवा की मंडी में ₹470 पैकेट, रामपुर की मंडी में ₹462 पैकेट, शिकोहाबाद की मंडी में 462, प्रतापगढ़ की मंडी में 465, मुजफ्फरनगर की मंडी में ₹460 प्रति पैकेट बिका है। अब बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेजों की, कि कोल्ड स्टोरेज में आपका हाइब्रिड आलू और जो ग्रेडिंग फेल है, क्वालिटी ख़राब है, रंग रूप में आलू नहीं है, वो कोल्ड स्टोरेज में क्या रेट बिका है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों को लगता है उनका आलू VVIP है तो वो भी अब नज़र डाल। अगर मेरा उनसे एक ही अनुरोध है, अगर इस तरीके का आलू है, अगर 450 या 500 रुपये रेट लग रहे हैं तो तत्काल आलू को निकाल दें, क्योंकि ग्रेडिंग फेल और ये ऐसा आलू जो है इससे ज़्यादा कीमत है जो बढ़ने की संभावना हमको भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आलू अगर आपका अच्छा है तो ही आलू के रेट जो है अच्छे मिलेंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर आपका आलू इसी रेट के अंतर्गत आ रहा है जो मिल रहा है आपको, तो तत्काल ही अपना आलू जो है बेच दें तो आप फ़ायदा में रहेंगे, नहीं तो ग्रेडिंग फेल होने की वजह से आपको कोई व्यापारी और नहीं लेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बदायूं की बात कर लेते हैं, तो बदायूं में कोल्ड स्टोरेज में ₹460, बाराबंकी के कोल्ड स्टोरेजों में 462, एटा के कोल्ड स्टोरेज में ₹467 प्रति पैकेट, फरुखाबाद की कोल्ड स्टोरेज में ₹477 पैकेट, फिरोजाबाद के कोल्ड स्टोरेजों से ₹460 प्रति पैकेट, इटावा में ₹462 से लेकर ₹475 तक, ललितपुर में 460 से ₹480 पैकेट, सिरसागंज की कोल्ड स्टोरेज में 460 से लेकर 480, उजानी के कोल्ड स्टोरेज में 460 से 490, हाथरस के कोल्ड स्टोर में 460 से 490। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों गुल्ला और उनकी आलू की, तो गुल्ला का आलू आजमगढ़ में ₹460 प्रति पैकेट, बुलंदशहर के कोल्ड स्टोर में 460, खुर्जा के कोल्ड स्टोर में 460, लखीमपुर के कोल्ड स्टोर में 462, वाराणसी में 462, फैजाबाद में 465, कानपुर में 460, जालौन में 460। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड नस्लों की, जो हाइब्रिड नस्ल के क्या रेट भी किया है, तो खुर्जा के कोल्ड स्टोर में 475, खुर्जा के ही बुलंदशहर में 480, लखीमपुर में 485, वाराणसी में 490, फैजाबाद में 495, कानपुर में 430,
जालौन में 455। तो किसान भाइयों ये थे हाइब्रिड के नस्ल। अब बात कर लेते हैं बरेली की तरफ बढ़ते हैं। बरेली में 460 रुपये प्रति पैकेट बिका है गुल्ला हाइब्रिड। बहजोई 405 रुपये हाइब्रिड। हापुड़ में 455 हाइब्रिड। अनूपशहर में 450 हाइब्रिड। कन्नौज में 407 हाइब्रिड। चंदौसी में हाइब्रिड 405। डिवाई में हाइब्रिड 350 और संभल में हाइब्रिड 300 रुपये प्रति पैकेट। अच्छी क्वालिटी का आलू है जी अभी। तो किसान भाइयों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मैंने अभी आपको बताए थे बदायूं, बाराबंकी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, ललितपुर, सिरसागंज, उजानी, हाथरस, ये गुल्ला के रेट थे। और अगर हाइब्रिड की बात करें तो मैंने आजमगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, फैजाबाद, कानपुर, जालौन, सीतापुर ये बताए थे। तो किसान भाइयों बात यह है कि अगर आपका ग्रेडिंग फेल है और आपके आलू की क्वालिटी और क्वांटिटी गिरी हुई है, वो किसी के उसके नहीं है, ब्लैक डॉग पर आया हुआ, चिकत्ते पड़े हुए हैं, तो देखिए चिकत्ते वाले तो अपना आलू रोके रखें, और जिनकी ग्रेडिंग फेल है उसमें बम्पर, गुल्ला और किर्री मिला हुआ है, तो किसान भाइयों इसमें रेट तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपको वो रेट नहीं मिल पा रहे। इसी वजह से आप ये बार बार कमेंट्स करते हैं कि हमारे यहाँ तो 465 ले रहे हैं, हमारे यहाँ 475 ले रहे हैं। तो भैया वो तो लेंगे क्योंकि ग्रेडिंग फेल होने की वजह से। अगर एक्स्ट्रा सुपर और एक्स्ट्रा सुपर आलू की बात करें तो 525, और अच्छी आलू की बात करें तो 615 रुपये तक भी पहुंच गया है। और दूसरी बात किसान भाइयों आगरा बेल्ट की रीजन की बात कर लेते हैं। आगरा रीजन में आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी का फिरोजाबाद ये जिले आते हैं, तो इन जिलों में आलू के अच्छे तादाद में बिक रहा है। और आशा है 650 के आसपास तो अभी ये आपका फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में टूंडला में, और 600 के आसपास हाथरस में पहुंच चुका है, और 650 तो आगरा में बिक ही रहा है। तो मेरी एक ही अनुमान है कि अब जो आलू है वो 700-750 भी क्रॉस करने वाला है। अगर आपका आलू बढ़िया है तो ही बचा के रखें, अन्यथा अगर ग्रेडिंग फेल है तो आप अपने आलू के लिए अपना जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेजों का भाड़ा भी आप लोगों को ही चुकाना है, कोई व्यापारी नहीं देगा। तो अगर ग्रेडिंग फेल है तो किसान भाइयों निकालते रहें। अगर बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों वीडियो दबाकर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परस्पर मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करना।